और देखिए यहाँ पे मैम को लगवानी थी हाथों पे नेल पेंट, और जो मैं नेल पेंट लगा रही हूँ ना हाथों पे, ये जो कलर है ना इसका इसे पसंद नहीं आ रहा था। कह रही थी ये दिखाई नहीं दे रहा, बहुत लाइट है। एक्चुअली में ये जो नेल पेंट जो दिख रहा है ना इससे बहुत ज़्यादा लाइट कलर था, ये मेरे को बहुत प्यार लग रहा था बट इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मुँह बना रही थी, बार बार बोल रही थी कि मेरे को ये नहीं लगाना है, मेरे को बहुत डार्क वाला लगाओ, रेड वाला लगाओ, डार्क ग्रीन लगाओ, ऐसे बोल रही थी। तो मैं इसी को लगा रही हूँ, तो ये शांति से बैठ गई है क्योंकि मैंने इसे डांट दिया था। और फिर भी ये लास्ट में ना इसे लगवा तो लेती है बट हटवा के दूसरा ही लगवाती है ये। और देखिए इसने ये नेल पेंट लगवा लिया था। आप बताइए आपको लाइट वाला अच्छा लग रहा है या डार्क वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन इसने ये जो लाइट ग्रीन है ना ये हटा दिया था बाद में। और ये देखिए यहाँ पे शाम के टाइम को ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो बच्चे बोल रहे थे कि कुछ खाने के लिए बना दो। तो फिर मेरी जो सिस्टर है वो बोलती है कि चलो बेसन की जो पकौड़ी होती है वही बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे बना रहे थे, जो कि हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि बेसन को एक अलग बर्तन में घोल देते हैं और जो आलू होता है उन्हें कट के थोड़ी देर पहले धुल के रख देते हैं जिससे कि उनका जो पानी है वो निकल जाए, और उसे फिर बेसन में डिप करके इस तरीके से डालते हैं, जिससे क्या होता है ना कि एक एक जो पकौड़ी होती है ना वो एक एक निकलती है, चिपकती नहीं है एक दूसरे से। और इस तरीके से ना जो पकौड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी होती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, जो कि हम इसी तरीके से बनाते हैं। आप भी एक बार अगर ऐसे नहीं बनाते तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। और देखिए यहाँ पे जो मेरी सिस्टर की बेटी है ना परी, वो मेरे साथ बैठ के मस्ती कर रही थी तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। बहुत क्यूट है वो ना, कुछ भी करती है, बहुत छोटी सी है, बहुत हल्की सी है, लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ। एक्चुअली मैं ना इसी के साथ नहीं, सारे बच्चे जो होते हैं उनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक और फैक्ट है, मैं ना बच्चों को डांटती भी बहुत हूँ, बच्चे डरते भी बड़ा है मेरे से, खेलते भी मेरे साथ हैं। तो मैं यहाँ पर ना इसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे ना काई आई थी घूमने के लिए नीचे, तो स्कूटी खड़ी हुई थी तो बोल रही कि मैं इसे चला के ले जाऊँगी, मैं इसे चलाना आता है मेरे को, तो मैं इसे चलाती हूँ। तो ये इस तरीके से ना यहाँ पे मस्ती कर रही थी कि मैं स्कूटी चलाऊँगी आज, आपको मार्केट लेके जाऊँगी। और यहाँ पे करा रही हूँ मैं काईयू को, उसके स्कूल का जो काम आता है उसे डेली कराना पड़ता है, और उसके अलग से भी मैं थोड़ा सा काम उसे कराती हूँ, तो मैं बस वही करा रही थी यहाँ पर। बट उसका बिल्कुल भी मन नहीं था इस टाइम काम करने का। फर्स्ट चांस मिली है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। नाउ योर टर्न परी, लाइन सुनाओ, कोई भी सुनाओ, ऐसे हाथ रखो, ऐसे, हाँ ऐसे हाथ रखो, मछली लड़की रानी है।
वेरी गुड, नाउ योर टर्न। थैंक यू। गई हूँ नहा करके और जस्ट अभी नहाई हूँ। सॉरी गाइस कि मैंने ना आज व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं करी थी और एंडिंग कर रही हूँ आप लोगों के साथ में व्लॉग की, तो उसके लिए सो सॉरी। और मैंने ना आज ये वाला कुर्ता पहना हुआ है कुछ इस तरीके से है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरा ये जो थोड़ा सा ये जो निकल के आ गया था ना यहाँ पे, मुहासा जो बोलते हैं ऐसे, आई थिंक मुहासा ही बोलते हैं जूटा वूटा खाने से जो हो जाता है, आई थिंक वही है या फिर कुछ और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट ऐसे ही बोलते हैं कि ये मुहासा है, किसी का जूटा वूटा खाने से हो जाता है ऐसा कुछ। पता नहीं मैंने किसका जूटा खा लिया जिसकी वजह से ये हो गया। अभी तो कम हो गया है, ये कल और परसों दो दिन तो ये इतना ज़्यादा हो गया था। तो मैंने ना इसकी एक टैबलेट मंगवाई थी, वो खाई और मैं पाउडर भी लगा रही हूँ जो निमाइसिन पाउडर जो आता है, उससे भी काफ़ी हद तक ठीक हो रहा है ये। तो अभी बहुत कम रह गया है, थोड़ा सा रह गया, बहुत कम, बट बहुत ज़्यादा हो गया था और इसमें पेन भी हो रहा था मेरे को। तो कोई नहीं, अभी ठीक हो गया है ये और मैं व्लॉग का एंड आज यहीं पे करूँगी। आई नो कि जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही व्लॉग है और जितना ही मेरे को टाइम मिला था वो मैंने मेरे को टाइम मिलता गया मैं शूट करती गई। और स्टार्टिंग तो मैं कर ही नहीं पाई थी बट एंडिंग कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। सो गाइज, अगर आपको ये छोटू मोटू सा व्लॉग अगर मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आपको पसंद आता है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मैं शेयर भी करें। और मैं आप लोगों के लिए ना जल्दी से जल्दी, थोड़ा टाइम लग रहा है जो भी टाइम जा रहा है 10-5 दिन, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी, डेली लाइफ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग जो है आज का ये भी पसंद आया होगा। और मैं डेली व्लॉगिंग तो नहीं कर पा रही हूँ अभी, बट एक दिन छोड़ के एक दिन जो है मेरा व्लॉग जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। अगर आप बोलेंगे डेली तो मैं डेली भी करूँगी। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, डेली देखना चाह रहे हैं या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन। एक्चुअली मैं ना अभी हो नहीं पा रहा है डेली का, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो भी बहुत छोटी है अभी, तो उसे भी संभालना पड़ता है, तो नहीं हो पा रहा और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है। तो कोई नहीं, बट मैं मैनेज कर लूँगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, मैनेज हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। तो कोई नहीं, सो चलिए मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में। आई होप कि आप इसे इस वाले ब्लॉग को सपोर्ट करेंगे और ज़रूर से ज़रूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। और आप सब लोग खुश रहिए, प्यार बांटिए। तो चलिए मिलती हूँ, खुश रहिए, प्यार बांटिए। ये वाली जो लाइन है ना, ये मैं शोएब इब्राहिम जो हैं उनका जो व्लॉग है मैं बहुत देखती हूँ, उन तीनों लोगों के, तो मेरे को ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है। मैं घर में भी मोस्टली बोलती रहती हूँ, खुश रहिए प्यार बांटिए, खुश रहिए प्यार बांटिए, हर किसी से यही बोलती रहती हूँ, खुश रहिए प्यार बांटिए, तो मेरी आदत पड़ गई है। तो चलिए आज आपसे भी बोल देती हूँ, खुश रहिए प्यार बांटिए। सो चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो में, बाय बाय।